अभी हम इस वक्त तेलंगाना स्टेट सिरपुर कागजनगर का रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और बहुत सारे हाईवे लाइंस में या हाईवे लाइंस के यहाँ से ट्रेन्स गुजरते हैं। तो तेलंगाना स्टेट के जो लेबर तबके के लोग हैं वो लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार ऐसे बहुत सारे स्टेट को यहाँ से निकल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। ये लॉकडाउन की वजह से ऐसे लोगों का हुकूमत को भी चाहिए कि इंतज़ाम करना, या नहीं तो ये लोगों के साथ अभी क्या क्या मुश्किलात आ रहे हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? राजेंद्र। राजेंद्र साहब आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? आपके साथ कितने लोग हैं? अभी मेरे साथ सर 7 लोग हैं। मैं रामागुंडम से आ रहा हूँ। ये तेलंगाना स्टेट के करीमनगर के करीब में रामागुंडम स्टेशन से ये लोग निकले। आप वहाँ पर रामागुंडम में क्या कर रहे? सर मैं रोड का काम कर रहा था, झाड़ कटाई। तो आपके झाड़ कटाई के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर आपको कोई सहूलत नहीं दिए क्या आपको मध्य प्रदेश जाने के लिए? नहीं सर, कोई सहूलत नहीं दिया उसने। तो ये थे हमारे राजेंद्र साहब से, हम सिरपुर कागजनगर रेलवे ट्रैक पर हम इंटरव्यू ले रहे हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके साथ 2-4 लोग मौजूद है। इससे पहले भी हम मुंसिफ टीवी के लिए कवरेज किए थे। वो लोग जो हैदराबाद टोली चौकी से बिहार जा रहे थे, तो ये लोग तेलंगाना स्टेट के रामगुंडम से निकले। राजेंद्र साहब, आप लोगों को क्या क्या मुश्किल आता है इतना लंबा सफ़र करने के लिए, और आप क्या सोच रहे हैं कि करीब 1200 किलोमीटर दूर है तो वहाँ तक कब तक पहुँचेंगे, आपका अंदाज़ा क्या है? सर अंदाज़ा तो ये है कि अब 5-6 दिन में पहुँच जाएगा धीरे धीरे। क्या है अब सोच के निकला है, 7 लोग हैं, बहुत मुश्किल में है, साधन नहीं है। तो आपके खाने पीने का सामान किस तरीके से इंतजाम हो रहा? अभी जैसे रामगुंडम से निकले बहुत सारे स्टेशन आए, आप लोग आपके साथ गैस सिलेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, राशन नहीं है, तो आप खाने का इंतजाम किस तरीके से कर रहे हैं? सर अभी एक दिन का बचा था वही लेके चल रहे हैं, अब आगे देखेंगे क्या होता है। अब आप मिल गए हो, आपका सहारा ही हमारे लिए काफ़ी है। तो हम स्पेशल कवरेज कर रहे हैं यहाँ पर जो कागजनगर तेलंगाना स्टेट के रेलवे स्टेशन पर। अभी यहाँ पर हमारे साथ कुछ नौजवान लड़के हैं कागजनगर के मौजूद हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो लोग यहाँ पर उनको खाने का इंतज़ाम करें। इससे पहले भी यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ से जाने बाद कागजनगर के नौजवान खाने का इंतज़ाम कर रहे थे। अभी आप देख सकते हैं ये लोग को खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की लॉन्ग जर्नी है, बहुत मुश्किल हो रही।